एवरीवन, वेलकम बैक टू पीएम बाय प्रश्न एकेडमी एंड दिस इज योर्स प्रतीक्षा मिश्र। आज हम माने स्टार्ट करबा को जाउचंती हम मानकर रैपिड फायर क्वेश्चंस जो थरे हम माने सॉल्व करबा बेस्ट 20 क्वेश्चंस। ऑलरेडी थंबनेल देखि समस्त जानि सारचंती एंड मु गतकाली रातिर मध्ये इन्फॉर्म कर देथली टेलीग्राम चैनल जे समस्त सेल पढ़ी के फुल प्रिपेयर हे किथिबे। आज हम माने डिस्कशन करबा सेल रो 20 प्लस क्वेश्चंस, तो बेस्ट 20 त मु लिखि दै छी बट 20 क्वेश्चन हम डिस्कशन करबेने। ट्राई करबे 22 टिके अधिक क्वेश्चन डिस्कशन करिया पई जति कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहूची। एंड येस, ऑलरेडी सीपेट सीरीज मॉक टेस्ट रे मध्ये मु सेल बायोलॉजी किछ क्वेश्चन सॉल्व कर देछि। जो मैंने से वीडियो देखी नांती प्लीज जाइ से प्लेलिस्ट देखंतु। 1000 प्लस एमसीक्यूज हमें मॉक टेस्ट रे प्रैक्टिस करचंती, आगो को मध्ये आहुरी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करबा। सेतिबे एबेठु ही हम चैनल को सब्सक्राइब करके रखंतु एंड जो भी फ्रेंड्स मैंने जूनियर सीनियर मैंने पढ़ुचंती बीएससी या प्लस टू समस्त पाक चैनल को शेयर करंतु। ओके, देन स्टार्ट करबा हमरा फास्ट क्वेश्चन समस्त को देखा जाथु स्क्रीन रे। एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सलाइवा इज ड्यू टू, यांका भितर एमिते किए अछि जोटा को हमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सलाइवा बोली कहितांती। फाइनल आंसर कह दिछि लाइसोजाइम, कारण हमें एठी केवल रैपिड फायर करछन्ते माने खूब कम समय भितर अधिक क्वेश्चन कवर करबा। सेथिपई ईच एंड एवरी क्वेश्चन को मु बुझेबि नाही, एठी मॉक टेस्ट रे सब क्वेश्चन को मु एनालाइज करके बुझौतिली बट आज हम माने बुझी माने हमें पढ़ी सारछन्ते बस ये हमरा काइंड ऑफ रिविजन। ओके, नेक्स्ट ए ब्रांच ऑफ डीलिंग विद द स्टडी ऑफ सेल इज साइटोलॉजी, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स हमें कहा कहते सिस्टर ने ऑक्सीजन थाइलाकॉइड और क्रिस्टे, सिस्टर ने इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पेरोक्सिजम्स आर रिच इन एंजाइम ऑक्सीडेज हाइड्रोलेज ट्रांसफरेज और आइसोमरेज, सो पेरोक्सिजम्स आर रिच इन एंजाइम ऑफ ऑक्सीडेज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट न्यूक्लियर प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, कोड सिंथेसाइज हुए न्यूक्लियर प्रोटीन न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियर लॉस है ना साइटोप्लाज्म रे ना न्यूक्लियर प्लाज्म रे, साइटोप्लाज्म रे ही न्यूक्लियर प्रोटीन ना सिंथेसिस हुए, सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज एसईआर, जहाँ को मैं आ ग्रानुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहती इज हैविंग मोर, यहाँ का पाखे कौन थी राइबोसोम सिस्टर ने ट्यूबुल थी, सिस्टर ने ट्यूबुल वेसिकल थी, सिस्टर ने वेसिकल राइबोसोम थी ना केवल ट्यूबुल एंड वेसिकल थी, सो एसईआर पाखे ट्यूबुल एंड वेसिकल थाए एंड एने गोटे बहुत सुंदर जिनस सिंथेसिस करथांती। सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बा एसईआर कौन सिंथेसिस करे मत आपण माने कमेंट सेक्शन लिखिकी जणंतु। ओके, सो एठी हमर कौन करेक्ट आंसर हे जइबो ना ऑप्शन नंबर डी ट्यूबल्स एंड वेसिकल्स। नेक्स्ट जोन ऑफ एक्सक्लूशन इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम माइटोकांड्रिया प्लास्टिड और नॉन ऑफ द अबव, यार आंसर कौन है जीवा? ना नॉन ऑफ द अबव, माने यहाँ भितर एमती कौन से भी जिनस नहीं जोटा कि हमारा जोन ऑफ एक्सक्लूजन पाखे अच्छी, तेल हमारा जोन ऑफ एक्सक्लूजन रे कौन देखा होची? सो जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज द क्लियर एरिया अराउंड द गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड यहाँ पाखे कौन से प्रकार ऑर्गेनेल्स ग्रान्यूल्स देखा जाए ना। ओके, ये केवल आम गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाखे ही देखा जाए। सो जोन ऑफ एक्सक्लूजन इज हैविंग लार्ज नंबर ऑफ व्हाट ना गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पाखे बिल्कुल भी ऑर्गेनेल ऑर्गेनेल्स ग्रान्यूल्स देखा जाती ना। ठीक अच्छे, नेक्स्ट देखा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम और क्रोमाटिन नेटवर्क और ब्लड प्रोटीन, सो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नार जना पड़ी ये गोटे प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑप्शन नंबर ए हिज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा द ऑर्गेनेल एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स एंड लिपिड्स इन अ सेल, जस्ट एवं ही क्वेश्चन मुझे आपको पचारी एसईआर कौन सिक्रेशन करुच्ची, सो एसईआर आम सिक्रेशन करुच्ची स्टेरॉइड एंड लिपिड, तेल प्रोटीन किए सिंथेसिस करुच्ची मत आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जनातु। ओके, आंसर कौन है ना एसईआर प्रोटीन सिंथेसिस किए करौची बॉडी रे। नेक्स्ट देखा लाइसोसोम हैविंग माइटोकांड्रिया इज कॉल्ड प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम रेसिडुअल बॉडी और ऑटोफेज, सो लाइसोसोम हैविंग माइटोकांड्रिया इज कॉल्ड ऑटोफेज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट व्हिच ऑर्गेनेल कंटेन्स एंजाइम कैटालेज पेरोक्सिजम ग्लायोक्सिजम ऑक्सीजम और स्पेरोसोम, तो ताले किए आमर कैटालेज को कैरी करुची ना पेरोक्सिजम ऑर्गेनेल, सो पेरोक्सिजम कंटेन्स एंजाइम कैटालेज। अच्छा हाँ, आउ गोटे क्वेश्चन पचारे को भूली गली लाइसोसोम को अदरवाइजली आम कौ ऑर्गेनेल बोली कहते हैं या कोई कॉमन नेम कौन कह देते। ओके, लाइसोसोम रो कॉमन नेम कौन। नेक्स्ट द एक्सटेंशन ऑफ एसईआर थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ द सेल आर नेम्ड आज डेस्मोजम डेस्मोट्यूबुल टोनोफाइब्रिल और टोनोफिलामेंट्स, एवं आम कौन कहते ना डेस्मोट्यूबुल बोलिक कहते हैं द एक्सटेंशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ द सेल आर नेम्ड आज डेस्मोट्यूबुल्स ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट द चीफ मेटालिक आयन फाउंड इन द राइबोसोम, सबुठू मुख्य मेटालिक आयन राइबोसोम रे मिलुची किए ना मैग्नीशियम, से ऑप्शन नंबर सी हिज राइट आंसर। नेक्स्ट देखा लाइसोसोम कैन हाइड्रोलेज ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सब प्रकार हाइड्रो मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड मन को नष्ट करदे हाइड्रोलेज करदे एक्सेप्ट कहाँ को प्रोटीन्स ना लिपिड ना सेल्युलोज ना स्टार्च, सेल्युलोज को ये केवे भी हाइड्रोलेज नष्ट कर पार ना। नेक्स्ट आर ई आर
rough endoplasmic reticulum is abundant in cells engaged in protein synthesis, lipid synthesis, steroid synthesis or secretory functions. एबे जस्ट क्वेश्चन पचा थिले नै आमो बॉडी भीतर प्रोटीन सिंथेसिस रे के हेल्प करछि ना RER RER कोन ना rough endoplasmic reticulum क्लियर. नेक्स्ट एसे एठी हमरा ऑप्शन नंबर ए हे जेबा राइट आंसर. नेक्स्ट देखिबा राइबोसोम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ राइबोसोम पाखरे लार्ज अमाउंट रो कोन प्रेजेंट थाय लिपिड ना डीएनए ना आरएनए ना कार्बोहाइड्रेट एमानक पाखरे हाई अमाउंट रो आरएनए प्रेजेंट थाय सेतबे हमरा ऑप्शन नंबर सी हे जेबा राइट आंसर. नेक्स्ट प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ अ सेल इज ब्लॉक्ड इफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स आर डिस्ट्रॉयड. बॉडी भितर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गोटे ऑर्गेनेल अच्छी जदि सी नष्ट आम प्रोटीन सिंथेसिस नष्ट बंद हो कौन से ऑर्गेनेल टी पेरोक्सिजम ना ग्लाइक्सिजम ना राइबोसोम ना लाइसोसोम ये हूँ आम राइबोसोम जहाँ पाखे आम प्रोटीन सिंथेसिस जदि आम राइबोसोम नष्ट प्रोटीन सिंथेसिस ना ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट इन व्हिच सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नॉट डिस्क्रिमिनेबल एग सेल अर्ली एम्ब्रियोनिक सेल्स रेस्टिंग सेल्स और ऑल ऑफ द अबव ए समस्त प्रकार सेल पाखे आम के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्क्रिमिनेट कर पारिबा नाही बा अलग करके देखिपरिया ना डिस्क्रिमिनेबल माने आम अलग करें ना. नेक्स्ट इन एडिपोज सेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ कम्प्लेक्स ऑफ ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स सिस्टर्न ट्यूबुल और वेसिकल ट्यूबुल एंड सिस्टर्न वेसिकल्स ओनली. या पूर्व ही जस्ट यही टाइप रोटे क्वेश्चन आम करते स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विषय. सो ये जब आम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा तो आम आंसर से सेम रही है ट्यूबुल्स एंड वेसिकल्स चाहे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या पाखे किए प्रेजेंट रहे ना ट्यूबुल्स एंड वेसिकल मैंने प्रेजेंट रहे ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर. नेक्स्ट मेम्ब्रेन सिस्टम डेवलपिंग फ्रॉम इनफोल्डिंग अ प्लाज्मा लेमा इज प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया गॉल्गी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द करेक्ट आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट कॉनकेव साइड ऑफ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस एंड डिस्टल फेस सीस एंड प्रोक्सिमल फेस सीस एंड डिस्टल फेस और ट्रांस एंड प्रोक्सिमल फेस व्हाट इज द राइट आंसर. सो द कॉनकेव साइड ऑफ द गॉल्गी कॉम्प्लेक्स इज ट्रांस एंड डिस्टल फेस ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट देर इज इनक्रीज इन नंबर ऑफ गॉल्गी कॉम्प्लेक्स ड्यूरिंग कौ समय आम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मात्रा अधिक बढ़ी जाए रेस्पिरेशन समय फोटोसिंथेसिस समय एक्टिव ट्रांसपोर्ट समय ना सेल डिविजन समय सेल डिविजन समय आम गॉल्गी कॉम्प्लेक्स मात्रा अधिक बढ़ी जाए से ऑप्शन नंबर डी हो राइट आंसर. व्हाट विल हैपन इफ ऑल द राइबोसोम्स ऑफ अ सेल आर डिस्ट्रॉयड जदि आम राइबोसोम गुड़िक नष्ट ताहले कौन बंद हो आम पढ़ी चंदे ना मॉलिक्युलर बायोलॉजी सेंट्रल डोग्मा जहाँ भितर आम ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन आसाला आउ टे मन पकई दूसरी ट्रांसक्रिप्शन मैंने कौन जब डीएनए रु आरएनए एमआरएनए सिंथेसिस होती ट्रांसक्रिप्शन जदि एमआरएनए रु डीएनए तैयारी होती कहते रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जदि आरएनए एमआरएनए रु प्रोटीन सिंथेसिस होती कहते ट्रांसलेशन तेल ये राइबोसोम नष्ट राइबोसोम नष्ट कौन हो या पूर्व आम पढ़ी प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन सिंथेसिस को अदरवाइज आम आउ कौन कहते ट्रांसलेशन कहते तेल ये ट्रांसलेशन हेनी जब राइबोसोम नष्ट तो ट्रांसलेशन भी हो पारे से ट्रांसलेशन विल नॉट अकर ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर. ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा सिलिया एंड फ्लाजेला आर बायलैटरल इन सिमेट्री ड्यू टू प्लाज्मा लेमा सिंगलेट फाइब्रिल डबल ब्रिजेस और बोथ सिंगलेट फाइब्रिल एंड डबल ब्रिजेस. सो सिलिया एंड फ्लाजेला आर बायलैटरल इन सिमेट्री माने जदि से आम बॉडी भितर गोटे प्लेन पास करुँचर बॉडी दुईटा इक्वाल हाफ रे कन्वर्ट हो जाए बायलैटरल सिमेट्री कहते आउ एटा कहाँपाई हो बोथ सिंगलेट फाइब्रिल एंड डबल ब्रिज र प्रेजेन्स हूँ बोथ बी एंड सी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट Which disease is caused due to hyperactivity of lysosome? Gout disease, lung fibrosis or arthritis or all of the above? सबू प्रकार रा disease. So all of the above है जीवा मरा correct answer option number D. Next, membrane flow occurs in membrane flow कोटी होची Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, nuclear membrane or contractile vacuole. So the right answer is Golgi apparatus. Membrane flow occurs in Golgi apparatus. Next. नंबर ऑफ प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ 60A सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज 40 सॉरी ये ऑप्शन दुटाक आम 40 दे देती कितनी 40 न दे कि अलग किसी गोटे दबा कथा 21 और 45 से जहाँ भी दो ऑप्शन आम राइट आंसर कौन 45. सो द नंबर ऑफ प्रोटीन्स एसोसिएटेड विथ 60A सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कतेटा प्रोटीन ना 45 तो आम ऑप्शन जहाँ भी दूसरी दौना कहीं आम राइट आंसर है 45. तो मुझे कही 20 क्वेश्चन बट 20 प्लस क्वेश्चन डिस्कसन करी बोली आई थिंक मुझ 25 किंवा 26 क्वेश्चन डिस्कसन करदेली एंड आज सेशन आपर आउट ऑफ 26 रु केते मार्क रहा मतलब कमेंट सेक्शन में लिखिकी जनातु. नेक्स्ट आम कौ टॉपिक उपर डिस्कशन करवा मुझे टेलीग्राम ग्रुप में जनईदेवी. सो प्लीज जाकि टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन करूँ एंड ये जब आजिकार सेशन आपल्फुल रही है प्लीज 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 डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.